रैंक आया है बिहार में 3 नंबर, 486 नंबर है। अच्छा, उम्मीद था कितना नंबर आ जाएगा? बिहार बोर्ड आज मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है, उसी में सारण कप स्नरी में तीसरा रैंक जो है पलक आया हुआ है। मेरे साथ पलक मौजूद है। सबसे पहले पलक, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ा कि ये बिहार में तीसरा रैंक आया हुआ है? कितना मेहनत करना पड़ा, क्या कुछ हुआ, कितना नंबर आया आपका? बहुत मेहनत करा, लगभग डेली 6 से 7 घंटे पढ़ा है। और मतलब कैसे तैयारी की हुई थी, कितना नंबर लगा था कि 486 नंबर मेरा आ ही जाएगा, कितना मेहनत की हुए थे? मेहनत तो बहुत किया, टीचर ने भी किया, मम्मी पापा ने, सब ने किया, सबका सहयोग मिला। कितना पढ़ाई करते थे? डेली 6 से 7 घंटे। डेली 6 से 7 घंटा। अच्छा, एम क्या है आगे पढ़ लिख के क्या बनना है, एम क्या है आगे? आईएएस ऑफिसर। एकदम बन के छोड़ना है। अच्छा, मम्मी उम्मी का समर्थन पूरा मिलता था भैया? बहुत। अच्छा, कहाँ पे पढ़ाई करते थे, कोचिंग वगैरह की, स्कूल की पढ़ाई से कहाँ पे पढ़ाई वगैरह ये सब करते थे? कोचिंग पढ़ते थे माँ भारती सेंटर, कोचिंग सेंटर में। अच्छा, कोचिंग करते थे उमा शंकर चौक। अच्छा, स्कूल भी जाते थे। हाँ। उतना मेहनत करके तब 400। अच्छा, आपके जो नंबर वन स्थान पे है पूरे बिहार में, उनका आपसे 3 नंबर ज्यादा है। हाँ। क्या 3 नंबर कहाँ से चूक हो गया कि 3 नंबर कम आया आपका? बायोलॉजी में एक क्वेश्चन ठीक से सुना नहीं था इंटरव्यू में, उसी के चलते। हाँ। नहीं तो नंबर वन पे आसान रहता। हाँ। अच्छा, कितना खुशी हो रहा है कि पूरे सारण कप बिस्तरी में आप ही जो है पूरे बिहार में तीसरा रैंक आपका आया हुआ है पूरे सारण कप बिस्तरी में? बहुत खुशी हो रही। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो कैसे पता चला कि मेरा रिजल्ट जो है पूरा सारण कप बिस्तरी में एक नंबर है, पूरे बिहार में तीसरा नंबर है? राहुल भैया ने बताया। राहुल भैया। मम्मी कैसा लगातार वो पलक के मम्मी है और पूरा बेटी के पूरा सारण कप बिस्तरी में एक नंबर स्थान है? बहुत अच्छा लगा, तो बहुत खुशी हुआ। बहुत खुशी होता। हाँ। अच्छा, बेटी कहा तरी की आइए हम बने बनवाए हम जितना मदद भी करें। हाँ। एकदम पक्का। हाँ। कहीं बोला तरी की हम आइए बने के जाता है। हाँ, बहुत खुशी बा, आगे भी जाकर तरक्की करस जी। हाँ। देखिए, मम्मी थी और जो लड़की थी उनसे बात करने का प्रयास किया, तमाम आसपास के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, उनके चाचा जी मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि रिजल्ट जो आया कितना खुशी घर में दिख रहा है, बात करेंगे। चाचा जी, आपकी जो भतीजी है काफ़ी अच्छा मार्क्स लाई है, पूरे सारण कप बिस्तरी में एक नंबर स्थान है और पूरे बिहार में तीसरा नंबर स्थान है, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी हो रही है। आगे भी सब को मिले, इससे सीख मिले कि अब मेहनत करे, पढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, आसपास के जितने भी तमाम लड़कियां हैं लड़के हैं जो पढ़ने के उम्र में इधर भटक जाते हैं, क्या अपील कीजिएगा? फील किया अपना, वो मेहनत की है जी। इस युग से कुछ अलग हटकर है तब तो इतना आगे बढ़िए। मेहनत की है तो मेहनत का फल मिला हुआ जी, बिल्कुल मिलेगा, हर किसी को मिलना भी चाहिए। क्या कहिएगा चाचा जी, आपके गाँव की जो लड़की है इतना अच्छा नंबर लाई हुई है, पूरे बिहार का नाम, पूरे सारण कप बिस्तरी का नाम रोशन की हुई है, क्या कहिएगा? रसूलपुर में हर महीने लड़का सब फर्स्ट डिवीजन आता है जी। हमें रसूलपुर में हर साल स्थान बनाते हैं, चाहे यहाँ जोगिया हाई स्कूल है, माधोपुर हाई स्कूल है। उनके भैया भी मौजूद है, भैया क्या कुछ कहिएगा? आपकी बहन जो है पूरे सारण कप बिस्तरी में नंबर वन स्थान पर, पूरे बिहार में तीसरा रैंक आया हुआ, क्या कहिएगा? बहुत खुशी है कि छोटी बहन अच्छा नंबर लाई है, जिसको आगे पढ़ने में और हम लोग साथ देंगे इसको। अच्छा, बोल रही आईएएस की तैयारी करेंगे, आप लोग कितना सहयोग करेंगे अपनी बहन को? पूरा सहयोग करेंगे हम उसको लोग इसका। अच्छा, क्या अपील कीजिएगा तमाम युवा वर्ग के जो पढ़ने वाले लोग हैं जो मैट्रिक में है, इंटर में, उन लोग से क्या अपील कीजिएगा, किस तरह से आपकी बहन मेहनत की और पूरे सारण कप बिस्तरी का आज नाम रोशन कर रही है, क्या अपील कीजिएगा? मन लगा के पढ़े, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, जो भी लोग मेहनत करेंगे वो सफल होगा। तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया और यही पलक है जो पूरे सारण कप बिस्तरी का नाम रोशन की हुई है और पूरे बिहार में इनका तीसरा रैंक आया हुआ है।